हताशा बहुत खतरनाक होती है जी, बहुत ही ज़्यादा। हम अक्सर हताशा के कारण की वजह से नहीं हारते, हम हताशा की वजह से हारते हैं। कहने का मतलब ये है, ये रिसर्च में प्रूफ है कि कारण उतना बड़ा नहीं होता जितनी बड़ी हताशा होती है। समझ रहे हो? कारण कभी कभी कारण बहुत छोटा होता है लेकिन उससे जुड़ी हताशा बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हताशा मल्टीप्लाई होती है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये प्रूफ हुआ है और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे समझ में आया है कि किसी समय में जब वो हताश थे और वो समय बीत चुका है, तो आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो कारण उतना बड़ा था ही जिसकी वजह से, जिसके लिए हम इतना रिएक्ट कर रहे थे, इतना ज़्यादा हताश हो रहे थे। कहने का मतलब ये, हताशा का बेशक कोई आधार होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा निराधार ही होता है, तकरीबन निराधार होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हताशा के समय आप कोई ऐसा काम करना शुरू कर दें जिसमें आपके अंदर विश्वास जगे, आपके अंदर एनर्जी आए, आपके अंदर खुशी वाले हॉर्मोन्स आए, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन, ये सारे हॉर्मोन्स जब आपके अंदर आने लगे जो कि आपके मज़े वाले काम करने से आते हैं, आप किसी अच्छी संगत में जब होते हैं, अच्छे ग्रुप में जब होते हैं, अच्छे लोगों के साथ जब होते हैं, किसी किन्हीं गुरुओं के साथ होते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं, अच्छी बातों को पढ़ते हैं, तो हताशा अपने आप दूर जाने लगती है। प्रॉब्लम बेशक बड़ी है, प्रॉब्लम बेशक बड़ी, कारण बेशक बड़ा है, मानता हूँ, इससे डिनाई कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन हताशा उतनी बड़ी भी नहीं है जितना हम बना लेते हैं। हताशा के समय हमेशा सबसे हताशा के सिम्टम्स को देखना। जब भी आप हताश होते हैं ना, तो आपकी कंधे ऐसे झुके रहते हैं, है ना, ऐसे झुके रहते हैं। तो जब भी हताशा का दौर चल रहा है तो अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखने की कोशिश करें। दूसरा, सुबह जल्दी उठे। जिस समय इंसान हताश चल रहा होता है वो जानबूझ के नहीं उठना चाहता, क्योंकि उठूंगा तो फिर हताश रहूंगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। सुबह जल्दी उठे, पानी पिए, वॉक करने के लिए खाली पैर जमीन में चले। आप देखेंगे हमारा जो शरीर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। अर्थ जो जमीन है वो इलेक्ट्रिक है और सन जो सूर्य है वो मैग्नेटिक है। दोनों को मिला करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाते हैं। तो खाली पैर जब हम जमीन में चलते हैं, अपने आप स्ट्रेस हॉर्मोन्स कम होने लगते हैं, अपने आप हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ने लगते हैं और हताशा कम होने लगती है। ये कुछ बायोलॉजिकल तरीके हैं जिससे आपकी हताशा कम होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हताशा को, अपनी हताशा को कितना तवज्जो दे रहे हो, कितना ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो हताशा को ना दिमाग में चलने मत दो, उसको लिखो। मैं मानता हूं ब्रेकअप हुआ है, मैं मानता हूं नुकसान हुआ है, मैं मानता हूं कोई छोड़कर चला गया है, मैं मानता हूं जीने की इच्छा खत्म हो गई, मैं मानता हूं कि अब जीने का मन नहीं कर रहा है। पर क्या सीरियसली सच में आपको लगता है? मैं ज़्यादा बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं मैंने जिसमें लोगों ने सुसाइड किया, जहर खाने के बाद जिंदगी के लिए तड़पते देखा हुआ है, क्योंकि जहर खाने के बाद अब कन्फर्म हो चुका कि मौत आनी है। तो वो इंसान, मैं जब हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, मैंने कई लोगों को देखा है कि आखिरी समय में वो ये बोलता कि एक बार बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता, एक बार बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता। पता, जिंदगी की कीमत ही तब समझ में आती है जब मौत एकदम करीब आ जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से एक्चुअली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हताशा ना हमको मौत के करीब ले जाती है। और जीवन चाहे जैसा भी हो, जितना भी हो, जो भी हो, बहुत खूबसूरत है, सबको नहीं मिलता। अगर आपके पास आपका हाथ पैर सलामत है, आपकी आंखें सलामत है, आपका शरीर सलामत है, आपके पास लोग हैं, आपके आसपास खाने का सामान है, साफ ऑक्सीजन है, पानी है, आप बहुत नसीब वाले हैं दोस्त, बहुत ज़्यादा नसीब वाले हैं। सबको नहीं मिलता ये सब चीज़। बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनको साफ हवा नसीब नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको अच्छा खाना नसीब नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सही से हाथ पर सलामत नहीं है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा। तो हताशा से बाहर निकलिए, सुबह जल्दी उठिए, रात को मोबाइल वोबाइल फेंक फाक करके सोइए, नहीं रखना अपने आसपास मोबाइल, दूसरे कमरे में मोबाइल छोड़ के आइए, अपने बिस्तर को साफ जमाइए,
बढ़िया गुनगुने पानी से नहा लीजिए, सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, 3 से 4 दिन में ही आपकी हताशा खत्म हो जाएगी। हताशा का कोई आधार होता ही नहीं, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। रिश्ते से जुड़ी हताशा सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, इसलिए फिलहाल स्पेस मेंटेन कीजिए, और कुछ समय बाद जब आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर बात कीजिए, बात करने से सब ठीक होता है, ठीक है। मिलते हैं आने वाले अध्यायों पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी। कभी कभी कारण बहुत छोटा होता है लेकिन उससे जुड़ी हताशा बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि हताशा मल्टीप्लाई होती है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये प्रूफ हुआ है।